बहुत हेवी ट्रैफिक है, वहाँ पर थोड़ा सा पार करने को अकेले सब पार नहीं कर पाते हैं, तो किसी को इंतजार करना पड़ता है, कोई आदमी हालो बैठा हालो बैठा बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा समय हम लोग के मानो कि नक्सल जल्दी कोई मिलता नहीं है तो उससे दिक्कत आती है। और देखिए हम यही ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से निकलते हैं तो फ्लाई ओवर के नीचे का तो एक थोड़ा छोटा मोटा रोड है, तो अकेले भी इसको पार कर लेते हैं, मगर जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। और दिल्ली में और है जैसे मैंने रोड उड़ के तो ये तो पब्लिक दिल्ली में तो मैडम ऐसे पब्लिक को बहुत पूरा सहयोग होती है ब्लाइंड की, और कोई ब्लाइंड के साथ अन्याय नहीं करता है, जहाँ भी लोग देखता है रोड को पार कराता है, पहुँचा देता है, बस पर चढ़ा देता है, तो ये तो सब मैंने दिल्ली में अच्छे है, कोई इतना खराब नहीं है। भले रोड वोड कहीं टूटा फूटा होता है, जैसे नाला खोद के छोड़ दिए, मैंने ढक्कन खोल के छोड़ दिए तो ब्लाइंड को गिरने की संभावना होता है, तो उस पर कोई इस तरह होना चाहिए कि कभी भी नाला खोलते हो तो वहाँ पर हमारे ऐसा ढक देना चाहिए कि जिससे ब्लाइंड हो चाहे कोई नॉर्मल आदमी भी ना उधर जा पाए और ना गिर पाए। मेरे कदम पर इतना ज्यादा प्रेशर है तो भी कैसे कम लग रहा है दूसरों को यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है इधर लेट करके एक बंदे को अपना